प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय अध्यापकगण और अभिभावकगण, जैसे कि आप सबको पता है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो विभत्स दृश्य देखने को मिल रहा है, उससे आप सजग हैं और आप लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं उसके प्रति जागरूक भी होंगे और उसका पालन भी कर रहे होंगे और करवा भी रहे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश से अपील की है कि 22 तारीख को रविवार को हर हालत में सभी लोग सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक जनता कर्फ्यू अर्थात अपने घर में रहें, अपने घर में शांतिपूर्वक रहें, अपने कामों को करें और शाम को 5 बजे अपनी बालकनी में आकर सभी एकत्रित होकर के करतल ध्वनि से या थाली की गूंज से उन लोगों के लिए सम्मान प्रकट करें, उनके लिए आदर प्रकट करें जो विपरीत और विषम स्थितियों में भी सेवा में जुटे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एनजीओज हैं, जो जो लोग भी सेवा में जुटे लोग हैं, उन सब के लिए आदर के साथ हम करतल ध्वनि से उनका सम्मान बढ़ाएं। मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हर समय समय पर लगातार शुरू से लेकर तो और अभी तक जिनका लगातार हमारे साथ संवाद हो रहा है और जो लगातार हमको और जागरूक करने की दिशा में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने हमको निर्देश दिया है, जो आग्रह किया है, जो आह्वान किया है, मेरा भरोसा है कि देश के सारे लोग और विशेष करके मेरे छात्र छात्राएं, आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकगण इस आह्वान का पालन भी करेंगे और दूसरों से भी इस अवसर पर जनता कर्फ्यू में योगदान देने का अपील करेंगे। मेरी शुभकामना कि आप जागरूक रहें, सचेत रहें और लोगों को भी जागरूक रखें। धन्यवाद।